नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पहाड़ी गुरुजी में। जैसा कि आपको पता है, हमारे इस चैनल में उत्तराखंड जी के सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की जाती हैं। तो इसी क्रम में एक नई वीडियो आपके सामने पेश है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में काचुला खर्क क्या है? ऑप्शन है जड़ी बूटी शोध केंद्र, सॉफ्टवेयर केंद्र, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, काचुला खर्क क्या है? काचुला खर्ग जो है कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। ऑप्शन सी इसका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में भूतपूर्व सैनिक व खिलाड़ियों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है इसके 5% व 2%, 5% व 3%, 5% व 4%, 4% व 4%। तो बच्चों, भूतपूर्व सैनिकों और खिलाड़ियों को कितना आरक्षण दिया गया है? आंसर सी 5% और 4%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया? ऑप्शन है 1 जनवरी 2007, 7 मई 2002, 22 दिसंबर 1999, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, उत्तराखंड नाम कब किया गया? 1 जनवरी 2007 को। ऑप्शन ए राइट है इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो बच्चों, उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? ऑप्शन है 1, 3, 5, 7। तो बच्चों, उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। ऑप्शन सी इसका राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेय पूर्व शासकों के समय उत्तराखंड राज्य में किस संत सन्यासी का आगमन हुआ था? तो कार्तिकेय पूर्व शासकों के समय में किसका आगमन हुआ था? शंकराचार्य जी का, रामानंद चार्य का, वल्लभाचार्य का, रामानुजाचार्य का। तो बच्चों, राइट आंसर है इसका ये शंकराचार्य जी का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गोरखाओं ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया था? तो गोरखाओं ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1803 में, 1804 में, 1805 में, 1806 में। तो बच्चों, गोरखाओं ने कब किया था गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार? 1804 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं पर गोरखाओं ने अपना अधिकार कब स्थापित किया या अधिकार कब किया? तो ऑप्शन है 1788 में, 1789 में, 1790 में, 1791 में। तो बच्चों, कुमाऊं पर गोरखाओं ने अधिकार कब किया था? गोरखाओं ने अधिकार किया था 1790 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन सगी बहनों ने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था? तो ऑप्शन है कुंती कमला ने,
कमला विद्या ने, बसंती सरस्वती ने, कमला व बसंती ने, तो किन सगी बहनों ने किया था? ऑप्शन डी इसका राइट है, कमला व बसंती ने। कमला व बसंती ने क्या किया था? सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किन कस्बों में से कौन सा कस्बा तराई क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन है औरंगाबाद ज्वालापुर, सितारगंज बाजपुर, काशीपुर खटीमा, उपयुक्त सभी सही। तो बच्चों इसका राइट आंसर है आंसर डी, उपयुक्त सभी सही। ये सारे जो दिए गए हैं ये कस्बे तराई क्षेत्र में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, शिवालिक क्षेत्र को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो बच्चों शिवालिक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? मंदगाधन पर्वत, मैनाक पर्वत, कैलाश पर्वत, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों किस नाम से जाना जाता था? मैनाक पर्वत नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी इसका सही है। तो बच्चों अभी तक हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। हर बार की तरह इस बार भी हम एक रिवीजन टेस्ट लेंगे। आपको रिवीजन टेस्ट की शर्तें पता है, हम रिवीजन टेस्ट में 2 क्वेश्चन लेते हैं, उन क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना होता है। तो बच्चों बढ़ते हैं रिवीजन टेस्ट की ओर। आज के क्वेश्चन है हमारे, कुमाऊं पर गोरखों ने अपना अधिकार कब किया था? पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, उत्तराखंड में काचुला फर्क क्या है? तो बच्चों इन क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो समाप्त करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।